नमस्कार। तो पिछली वीडियो में अपन ने देख लिया था कि किस तरह ड्रैगन्स को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। केसल ड्रैगन्स लास्ट में जाकर सारे कंट्रोल में आ जाते तीनों के तीनों। तो इस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे, एडम ऑफ हल कौन था और इसके अलावा वाइल्ड ड्रैगन्स को किसने कंट्रोल किया। तो वीडियो को शुरू कर देते हैं फुल सीजन 2 के स्पॉयलर्स के साथ में। एडम ऑफ हल यानी कि यह ड्रिफ्टमार्क के रहने वाला था। ड्रिफ्टमार्क में एक जगह है, शिपयार्ड है, जहाँ पर हल नाम का वहीं का रहने वाला था, इसलिए इसके नाम में एडम ऑफ हल आ गया है। इसने जब सीस्मो को क्लेम किया होता है तब ये केवल 15 साल का होता है। इसके एक छोटा भाई भी होता है जिसका नाम होता है एलन, वो अभी 14 साल का होता है। इनके फादर कौन है ये तो थोड़ा डिस्प्यूट वाला मामला है, लेकिन इनकी जो मदर होती है उसका नाम होता है मरिल्डा। मरिल्डा एक शिप पे काम करने वाले आदमी की लड़की होती है जो दिखने में काफ़ी खूबसूरत होती है। लोग इसको माउस भी कहते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फास्ट और छोटी है इसलिए। अब इस माउस के पिताजी शिपयार्ड्स के ऊपर काम करते होते हैं तो धीरे धीरे ये भी सीख जाती है सी जर्नीज के बारे में और शिप्स के बारे में। ये जब 16 साल की होती है तब 114 एसी के अंदर इसके जन्म होता है एडम का और उसके अगले ही साल जन्म हो जाता है एलन का। तो एडम और जैकेरस लगभग एक ही उम्र के हैं। एडम और एलन दोनों बास्टर्ड्स का जन्म हल के ऊपर ही होता है ड्रिफ्टमार्क के वहाँ पर। दिखने में इनके पास में भी सिल्वर सीड्स वाले फीचर्स होते हैं यानी कि पर्पल आइज, सिल्वर हेयर वगैरह। और छोटी उम्र में इन दोनों भाइयों के खून में समुद्र का खारा पानी मिल जाता है यानी कि ये जब 8 साल के भी नहीं होते तब से ये सी वॉजेस पे जाना शुरू कर देते हैं। अभी इस डांस ऑफ ड्रैगन से लगभग 5 साल पहले एडम और एलन, एडम जब 10 साल का होता है और एलन 9 साल का, उस टाइम पर इनके नाना जी यानी कि माउस के पिता की डेथ हो जाती है। तो हल्के वहाँ पर जो शिपयार्ड होता है वो माउस को मिलता है यानी कि इनकी माँ को। माउस उस शिपयार्ड को बेचकर पैसे कमा लेती है और उन पैसों के थ्रू एक छोटा सा शिप खरीदती है जो कि एक व्यापारी शिप होता है जिसका नाम वो रखती है माउस। मरिल्डा और इसके दोनों बच्चों को, एडम और एलन को, सही से पता होता है कि किस तरह सी वॉजेस होती है। तो फिर ये धीरे धीरे अपनी ट्रेडिंग बढ़ाने लगते हैं और फिर इनको फ़ायदा होता है उससे। और जो 5 साल पहले केवल इनके पास में एक ही छोटा सा शिप होती है जिसका नाम माउस होता है, आज इनके पास में पूरे 8 शिप्स होते हैं, वो भी उससे बड़े बड़े। अब एडम और एलन दोनों को कोई भी दूर से देख के कह सकता है कि ये सिल्वर सीड ही है, इनके सारे फीचर्स वैसे ही है, लेकिन ये किसके बच्चे हैं इसके बारे में किसी को पता नहीं होता है। अब ये हल ड्रिफ्टमार्क के ऊपर जन्मे हैं तो हो सकता है टारगेरियन के बच्चे हो या फिर वलोरियन के भी हो सकते हैं क्योंकि दोनों के फीचर्स तो सेम ही होते हैं। फर्स्ट में इनकी माँ माउस से पूछा गया कि आखिर इन दोनों के पिताजी कौन है, तो फिर उसने बताया नहीं, वो बस शर्मा जाती थी। लेकिन लास्ट में जाकर उसने अपने साइलेंस तोड़ा और धीरे से बोला लेनोर वलोरियन। और ये भी उसने तब जाकर बोला जब एडम ऑफ हल के पास में ड्रैगन आ गया था सीस्मोक, इसलिए जैकेरस वलोरियन उसको अपनी आर्मी में लेने को तैयार था। एडम और एलन थोड़े दिखने में भी सर लेनोर वलोरियन जैसे ही थे। और लेनोर वलोरियन शिप के वॉर के ऊपर जाने के लिए या फिर शिप वॉयेजेस के ऊपर जाने के लिए टाइम टू टाइम ड्रिफ्टमार्क के ऊपर हल के ऊपर जाता रहता था। तो हो सकता है वहाँ पर ये इस माउस से मिला हो और ये दोनों बच्चे पैदा हुए। कुछ ड्रिफ्टमार्क और ड्रैगनस्टोन के लोगों ने देखा कि माउस ही अपने बच्चों को लेनोर वलोरियन का बेटा बता रही है, तो ये शायद ड्रिफ्टमार्क के ऊपर अपना क्लेम करना चाह रही है इसलिए ऐसा कह रही है। जबकि कुछ दूसरे लोगों के अकॉर्डिंग लेनोर वलोरियन को औरतों में इतना इंटरेस्ट ही नहीं था, तो ये पक्का झूठ बोल रही है। लेकिन वो लोग ऐसा नहीं बोल सकते थे क्योंकि वो अगर ऐसा बोलते तो फिर लेनोर वलोरियन की इंसल्ट होती, तो ऐसा कॉलस वलोरियन सुनता ही नहीं और इन लोगों को मरवा देता जो भी उसको ऐसा कहता। इसके अलावा कॉलस वलोरियन की ज़्यादातर फैमिली के लोग मर चुके थे, उसका भाई मर चुका है, उसके दोनों बेटे बेटी मर चुके हैं, उसकी पत्नी भी मर चुकी है। तो उसने भी ये जो माउस ने क्लेम किया कि ये दोनों लेनोर वलोरियन के बच्चे, उसने एक्सेप्ट कर लिया और इन दोनों को अपने ग्रैंड चाइल्ड्स के फॉर्म में ले लिया। अब इसके बारे में कुछ और भी अकाउंट्स बने हुए कि ये किसके बच्चे थे। हिस्ट्री में मशरूम इसके बारे में लिखता है कि ये लेनोर वलोरियन के बच्चे नहीं थे, ये थे सी स्नेक यानी कि कॉलस वलोरियन के खुद के ही बच्चे थे। क्योंकि ये तो सभी जानते हैं लेनोर वलोरियन को इतना लड़कियों के अंदर इंटरेस्ट नहीं था, तो हो सकता है कॉलोरस वलोरियन जो कि हल के ऊपर तो काफ़ी ज़्यादा जाता रहता था। कॉलोरस वलोरियन के लिए तो हल यानी ड्रिफ्टमार्क की वो जगह जहाँ पर शिपयार्ड है वो जगह तो बिल्कुल सेकेंड होम की तरह थी, तो हो सकता है यही वहाँ पर उस माउस से मिला हो और फिर इसके दोनों ये बच्चे हुए। लेकिन जब दोनों बच्चे हो गए एडम और उसके बाद में अगले साल एलन, तो कॉलोरस वलोरियन डर गया कि कहीं रेनस को इसके बारे में पता चल गया तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगी, और टारगेरियन लोगों का गुस्सा तो सब जानते ही है क्योंकि ये यहाँ पे अपने से आधी उम्र की लड़की के साथ में रंग रैलियाँ कर रहा है, और तो और वो एक लो बॉन्ड शिप के ऊपर काम करने वाले आदमी की लड़की है।
तो ये दोनों जब बेटे पैदा हो गए इस कोलोसुलन और उस माउस के, तो कोलोसुलन ने शायद उस माउस को दूर रहने के लिए कह दिया ड्रिफ्टमार्क को यहाँ से, जिससे कि रेनस को कहीं शक नहीं हो जाए कि ऐसे ही दिखने वाले ये कहाँ से आ गए। रेनस को भी पता है लेनोर विलियन को वुमेंस के अंदर इंटरेस्ट है नहीं, तो बचा कौन? कोलोसुलन, तो शायद इसी के दोनों बेटे हैं। यही सोचकर कोलोसुलन ने इतने दिनों से अपने कोर्ट से दूर रख रखा था जिससे कि रेनस को पता नहीं चल जाए। लेकिन अब रेनस की डेथ हो चुकी है और इनमें से एक लड़के ने तो ड्रैगन भी क्लेम कर दिया सी स्मोक, बड़े लड़के एडम ने, तो ये फिर अब इनको अपनी फैमिली में ले सकता है। अब ये जो मशरूम ने बताया कि ये शायद कोलोसुलन के ही बच्चे थे, इसके बारे में रेनिरा के कोर्ट में कई सारे लॉर्ड्स और बाकी सारे नॉर्मल लोगों को भी शक होने लग गया कि ये शायद कोलोसुलन के ही है, क्योंकि इनको बहुत ईजिली अपनी फैमिली में ये एक्सेप्ट कर रहा है। इसके अलावा लेनोर वेलिरन के बारे में तो सब जानते ही है, तो शायद ये इसी सीसनेक के ही बच्चे हैं। लेकिन कोई भी इस बारे में कुछ बोलता नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा ये बोलेंगे तो कोलोसुलन इनकी जीप कटवा देगा। इसके बाद में कोलोसुलन इन दोनों लड़कों को रेनिरा के सामने लेके जाता है उसके कोर्ट के अंदर और बोलता है इन दोनों के नाम से बास्टर्ड हटा दो, मैं इनको अपनी फैमिली में लेने को तैयार हूँ। जेक इस चीज़ का अपोज भी करता है, लेकिन रेनिरा इस बात को मान लेती है और उसके बाद में इनको अगर कोई भी आज के बाद में बास्टर्ड बोलेगा तो उसकी जीप कटवा दी जाएगी। तो इस तरह एडम ऑफ हल एक बास्टर्ड, एक ड्रैगन सीड, एक सिल्वर सीड, अब एडम वेलिरियन हेयर टू ड्रिफ्टमार्क बन गया। अब ये तो बात हो गई एडम ऑफ हल की हिस्ट्री और कैसल ड्रैगन्स की, जिन्हें पहले कोई न कोई उड़ाता था, लेकिन अब वापस उन्होंने अपना नया राइडर चूज कर लिया है। ज़्यादातर लोग उन्हीं कैसल ड्रैगन्स के ऊपर अप्रोच कर रहे थे फर्स्ट, क्योंकि वो पहले किसी ने उड़ाया तो शायद नया राइडर चूज़ कर लेवे। वाइल्ड ड्रैगन्स पहले से ज़्यादा खतरनाक होते हैं और इनके ऊपर कभी कोई राइडर ही नहीं बैठा है, तो ये ज़्यादा वॉयलेंट होते हैं, तो किसी को भी अपने राइडर के रूप में ये चूज़ नहीं करने वाले। लेकिन जब तीनों कैसल ड्रैगन्स कोई न कोई ले लेता है, तो अब लोगों को धीरे धीरे वाइल्ड ड्रैगन्स की तरफ शिफ्ट होना पड़ता है। आखिर ऑफर तो इनको भी चाहिए था और ड्रैगन लॉर्ड भी बनना था, और जिस तरह कैसल ड्रैगन्स ने अपना एक नया राइडर चूज़ कर लिया, तो शायद ये वाइल्ड ड्रैगन्स भी चूज़ कर लेवे। यही सोचकर लोग वाइल्ड ड्रैगन्स के ऊपर अप्रोच करने की कोशिश करते हैं। इनमें से सबसे फर्स्ट ड्रैगन था शीप स्टेलर, जो कि काफ़ी गंदा सा दिखता था, मड ब्राउन कलर का, ब्राउन कलर की इसकी बॉडी थी। इस ड्रैगन को शिप्स को खाना बहुत ही पसंद था, तो वेंड वाटर से लेकर यहाँ ड्रिफ्टमार्क के बीच में जितना भी एरिया है, यहाँ का इसका बस एरिया फिक्स था। यहाँ पर इसको कोई भी शिप वाले मिल जाते थे तो उनकी शिप को खा जाता था। ये वैसे शिप चराने वाले लोगों के ऊपर तो अटैक नहीं करता, लेकिन अगर वो चराने वाले इसको रोकने की कोशिश करते फिर तो ये उनको भी मार के खा लेता। कहा जाता है इसका एक तब हैच हुआ था जब ओल्ड किंग जेरस टारगेरियन यंग था। शिप स्टेलर के ऊपर पहले भी एक आदमी ने ट्राई किया है जिसका नाम है सिल्वर डेनेस, लेकिन उसका ये हाथ खा जाता है। वैसे नॉर्मली ये अटैक नहीं करता है लोगों के ऊपर, लेकिन ये जब गुस्सा हो जाता है तब ये लोगों को नहीं छोड़ता है। सेकेंड वाइल्ड ड्रैगन है ग्रे गोस्ट, जो कि ज़्यादातर यहाँ पे ड्रैगन स्टोन और ड्रिफ्टमार्क यहीं के जंगलों में घूमता रहता है, और उसमें भी मेनली ये ड्रैगन स्टोन के जो वेल्कोना वाला पार्ट है वहीं पे रहता है। शायद इसको गर्मी और वोल्केनो पसंद है, लेकिन ये लोगों को बहुत कम ही दिखता है। ये शिकार के रूप में भी एनिमल्स को ज़्यादा प्रीफर नहीं करता है। ये मेनली पानी के ऊपर बहुत ही कम ऊंचाई पर उड़ता है और पानी के अंदर से ही अपना शिकार चुन लेता है, मतलब कि मेनली ये मछलियों को खाता है और पानी के अंदर से और भी जानवर होते हैं उन्हीं को खाता है। ये लोगों को बहुत ही कम दिखता है, शायद इसको लोग पसंद ही नहीं है। ग्रे गोस्ट कई सालों तक लोगों को नहीं दिखा, ये शायद लोगों को देखकर छिप जाता है या फिर लोगों को अवॉइड करता है। इसके बॉडी का कलर सुबह की जो मिस्ट होती है धुंधल, उसकी तरह होता है, थोड़ा सा ब्लू कलर, थोड़ा सा वाइट। तो दूर से इसको ड्रैगन स्टोन के स्मोकी एरिया या फिर सी के ऊपर ये कहाँ पर उड़ रहा है स्पॉट करना काफ़ी मुश्किल रहता है। तीसरा सबसे पुराना और सबसे बड़ा वाइल्ड ड्रैगन है, उसका नाम है द कैनिबल। इसका नाम कैनिबल इसलिए पड़ा क्योंकि ये ज़्यादातर दूसरे जो मरे हुए ड्रैगन्स होते हैं उन्हीं की लाशों को खाता है। इसके अलावा अगर ड्रैगन स्टोन के ऊपर कोई छोटा सा ड्रैगन होता है अभी भी जन्मा हो या फिर ड्रैगन एक्स हो, तो ये नए ड्रैगन एक्स और उस छोटे से बच्चे के ऊपर अटैक करके उनको मार के खा भी जाता है। दिखने में ये ड्रैगन बिल्कुल काले कोयले की तरह है, जिसकी आंखें ग्रीन कलर की है। लोग इसके बारे में यूँ कहते हैं कि ये ड्रैगन ड्रैगन स्टोन के ऊपर तब से है जबकि एनआर टारगेरियन भी नहीं आया था, यानी कि ये एगोन द कॉन्करर का ड्रैगन बलूरियन से भी पुराना ड्रैगन है। अब ऐसा तो लोग कहते हैं, असली सच्चाई क्या है इसके बारे में कुछ पक्का पता नहीं है किसी को। लोगों के बस इस चीज़ को लेकर डिस्प्यूट ही है कि ये ड्रैगन कितना पुराना है और कहाँ से आया। वैसे तो इस ड्रैगन को सारे के सारे सिल्वर सीड्स अवॉइड कर रहे थे क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा जल्दी गुस्सा हो जाता है और दिखने में इतना बड़ा और ख़तरनाक है कि इसके पास में कौन जाए।
लेकिन कुछ एक लोग इसके पास में जाके इसको क्लेम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये उनको मार के खा जाता है। हिस्ट्री में भी कई बार दूसरे भी कई सारे टारगेरियन लोग इसको क्लेम करने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन अब तो इसके बारे में ऐसा मिथ बन गया है कि जो कैनिबल के पास में जाएगा वो वापस कभी नहीं आ सकता। तो लोगों ने इसको छोड़कर ग्रे कोस्ट के ऊपर फोकस किया, क्योंकि शायद वो थोड़ा शर्मीला है तो लोगों के ऊपर इतना अटैक नहीं करे और कम खतरनाक हो। लेकिन जो भी उसको ढूंढने गया वो हार के ही वापस आया, क्योंकि वो ड्रैगन किसी को भी नहीं दिखा। वैसे होना तो यहीं आसपास चाहिए था, नैरो सी या फिर ड्रैगन स्टोन के यहाँ पर, लेकिन उसकी बॉडी कैमोफ्लेक की तरह, तो उस धुंधल के अंदर उसकी शरीर दिखता नहीं है, तो लोग उसको स्पॉट नहीं कर पाते और वो वैसे भी लोगों को देख के छिप जाता होगा, इसलिए किसी को भी नहीं दिखा। अब द कैनिबल काफ़ी खतरनाक है तो लोग उसके पास में जा रहे नहीं थे। ग्रे गोस्ट को जिसने भी ढूंढने की कोशिश की वो वापस हार के आया था। तो बचा कौन? शिप स्टिलर। तो ये आराम से लोगों को दिख भी जाता था, यहीं पे आसपास ही रहता था ड्रैगन स्टोन पर। तो बस लोग अब इसको क्लेम करने पहुंच गए। इसके बारे में कहा जाता है कि ये ड्रैगन चिड़चिड़ा और गुस्सेल हो गया था। जितने लोग उन तीनों कैसल ड्रैगन्स ने मिलकर मारे थे, यानी कि सिल्वर विंग, वर्मीथोर और सी स्मोक, उतने अकेले इसने सिल्वर सीड्स मार दिए। यानी कि इसके पास में काफ़ी सारे लोग मरे थे इसको क्लेम करने के चक्कर में। एडम ओफल, जिसको सी स्मोक मिल गया था, उसका भाई होता है एलेन, वो भी जाता है ग्रे गोस्ट को ढूंढने के लिए, लेकिन उसको भी नहीं मिलता है। उसके बाद में वो देखता है कि मैं शिप स्टिलर को ले लेता हूँ, और जैसे मेरे भाई को एक ड्रैगन मिल गया मुझे भी मिल जाएगा। तो लोग जब शिप स्टिलर को क्लेम करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तब ये एलेन भी जाकर उसके पास में क्लेम करने की कोशिश करता है। लेकिन वो शिप स्टिलर ड्रैगन काफ़ी गुस्से में होता है, तो वो इसके ऊपर अपने पंख से धक्का दे देता है और उसके बाद में इसके ऊपर आग छोड़ देता है। वो तो गनीमत रही, इसका भाई एडम इसके पास में ही था, जो उसने इसको पकड़ के अपने पास में खींच लिया, इसलिए ये बच गया। जब सी स्मोक देखता है कि उसके राइडर और राइडर के भाई एडम और एलन दोनों के ऊपर शिप स्टिलर अटैक करने आ रहा है, तो वो बीच में आ जाता है और फिर वो उस वाइल्ड ड्रैगन शिप स्टिलर के ऊपर आग छोड़कर उसको पीछे की साइड भगा देता है। वैसे वो वाइल्ड ड्रैगन इतना ज़्यादा भी पीछे नहीं भागता है, वो बस थोड़ा सा पीछे हट जाता है, क्योंकि उसको सी स्मोक से इन दोनों के लिए लड़ना नहीं होता है। एलन ने जो शिप स्टिलर को अप्रोच किया था, लेकिन शिप स्टिलर ने उसको अपने पंख के थ्रू पीछे की साइड फेंक दिया, तो वो पंख लगने की वजह से इसके शरीर के ऊपर कई सारे घाव आ गए, जो कि उसके पेट के ऊपर और पैर के ऊपर लगे थे, और अब वो उसके साथ में पूरी ज़िंदगी भर रहने वाले हैं। लेकिन फिर भी ये खुश था कि कम से कम इसकी जान तो बच गई, और अब एलन किसी भी ड्रैगन को अप्रोच नहीं करने वाला था। अब इनके अलावा कई सारे और भी लोग शिप स्टिलर को अप्रोच करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फाइनली वो उसके पेट में ही जाते हैं। अब कई सारे लोगों की जान लेने के बाद में शिप स्टिलर जिसको फाइनली अपना ड्रैगन राइडर चूज करता है, वो होती है एक स्मॉल ब्राउन गर्ल, जो कि 16 साल की होती है। वह लड़की हर रोज़ सुबह शिप स्टिलर के सामने एक नया फ्रेश कटा हुआ शिप लेकर आती थी और इसको खिलाती थी, जिससे कि फाइनली शिप स्टिलर ने भी उसके सामने अच्छे से रहना सीख लिया और उसके कंट्रोल में हो गया, और अब वो शिप स्टिलर की ड्रैगन राइडर बन चुकी थी। इतिहास में कई लोगों ने उसका नाम नेटल्स बताया, लेकिन मशरूम और नॉर्मल लोग उसको नेटी बोलते थे। वो एक 16 साल की लड़की थी। ये लड़की एक बास्टर्ड थी, इसकी माँ डॉक साइड में एक होड़ थी। दिखने में ये लड़की काफ़ी छोटी, इसके ब्लैक हेयर्स थे और ब्राउन आइज, पतली सी दिखती थी और उसका चेहरा भी बदसूरत था। लेकिन एक बात थी इसके अंदर, वो थी ये फियरलेस है, और अब तो ये एक बड़े ड्रैगन शिप स्टिलर की ड्रैगन राइडर भी बन चुकी है। अब इस स्मॉल ब्राउन कल को ये ड्रैगन मिल गया। इसके बाद में जैकेरस वलेरन ने देखा कि शायद इसने जो गोल रखा था वो अब पूरा हो चुका है। इस गोल के चक्कर में कई सारे ड्रैगन स्टोन की नॉर्मल जनता और यहाँ के जो सिल्वर सीड्स होते हैं उनमें से बहुत सारे मारे भी गए, और उनके ऊपर कई सारे घाव भी आए जो उनके पूरी ज़िंदगी रहने वाले उनके साथ में। कई सारे औरतों के पति इस जैकेरस वलेरन के ऑफर के चक्कर में मारे गए और औरतें विधवा हुई, लेकिन फाइनली जैकेरस वलेरन को 4 नए ड्रैगन राइडर मिल चुके थे। वो 4 ये ड्रैगन्स थे, 3 तो कैसल ड्रैगन्स, वर्मीथोर, सी स्मोक, सिल्वर विंग, और एक वाइल्ड ड्रैगन शिप स्टिलर। अब 129 एसी का साल ख़त्म होने वाला ही होता है, तो प्रिंस जैकेरस वलेरन कोलोस वलेरन के साथ में मिलकर डिसाइड करता है कि अगले साल 130 एसी के अंदर जो फर्स्ट फुल नाइट होगी, यानी कि पहली पूनम, उस दिन हम अटैक करेंगे किंग्स लैंडिंग के ऊपर और उसको जीत लेंगे, और वहाँ पर जो भी एगोन एमंड, जो भी ग्रिंस के लोग हैं, सारे के सारे मारे जाएंगे। तो वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, इसके बाद में तुम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखना कि इनका अटैक किस टाइप से रहता है और क्या ये उनको मार पाता है या फिर नहीं।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। फिलहाल तो मुझे हेरन वॉल जाना है और डेमन को बोलना है इतने दिनों से तू कहाँ गायब है भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।